गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शान सर। स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube के लाइव कंप्यूटर क्लासेस के वीडियो क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शान सर खुद डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स कोर्स लेकर उपस्थित रहता हूं YouTube, Facebook पे, और आज इसी कड़ी पे आज हम क्लास लेकर आए हैं टेली प्राइम की। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो मार्केट में न्यू सॉफ्टवेयर आई है उसका नाम टेली प्राइम है, और टेली प्राइम में आज हम जानेंगे एकदम बिगिनर जो बच्चे नए नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं YouTube में, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज से हमारी डेली बेसिस पे क्लास होगी टेली प्राइम के विषय में। तो आज की जो हमारी टेली प्राइम की न्यू क्लासेस है और फर्स्ट क्लासेस है, तो आज हम टेली प्राइम के विषय में जानेंगे कि टेली प्राइम में हम हाउ टू क्रिएट ए कंपनी, कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि टेली प्राइम को ऑन कर लें। देखेंगे कि आज की जो क्लासेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो विशेष तौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेरी आज की क्लासेस बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आज टेली ERP 9 पर क्लास ना होकर आज टेली प्राइम पे क्लास हो रही है, और आज की मेरी ये क्लास फर्स्ट क्लास है। तो देखेंगे, जैसे ही मैंने टेली प्राइम को ओपन किया तो यहाँ से आपको पूछेगा क्या कि कंटिन्यू एजुकेशन मोड। तो आप क्या करें, कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्रिएट करें। आप जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। देखिए कि कुछ इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आप जान लें कि हम लोग कंपनी के विषय में अगर हम जानना चाहते हैं कि कंपनी, तो कंपनी के विषय में अगर हमें पता है कि कंपनी कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में आप बटन बार देखेंगे जहां पे F3 होगी, वहां पे आप क्लिक करें, और यहां से जो आपकी जो कंपनी है उस कंपनी को पहले सेट कंपनी कर दें। सेट कर देने के बाद जैसे ही आप कंपनी को सेट करेंगे यहां पे, मेरी सिस्टम थोड़ी स्लो है तो उन सभी छात्रों से आज काफ़ी मेरी सिस्टम प्रॉब्लम कर रही है। तो देखेंगे कि मैंने जो कंपनी है वो कंपनी को सेट कर दिया है, और यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे राइट साइड में एक क्रिएट कंपनी है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी स्पेसिफाइड, तो हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में हम क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट कंपनी में क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो कंपनी है, कंपनी का नेम है, तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास दे रहे हैं टेली प्राइम में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं फर्स्ट क्लास बाय टेली प्राइम, और यहां से हम मेलिंग नेम रख रहे हैं। तो देखिए मेलिंग नेम में जो इनवॉइस है मेलिंग नेम दे सकते हैं, उसके बाद एड्रेस हम दे रहे हैं ब्लॉक चौक नियर इलाहाबाद बैंक वारसोई बाजार। देने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, और यहां से हम स्टेट को चूज करेंगे, जो हमारा स्टेट है हम स्टेट को चूज करेंगे। तो यहां से हमारा बिहार है, बिहार को चूज कर रहे हैं। उसके बाद पिन कोड देंगे 855102, टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर 9631882905। सारे इंफॉर्मेशन को आप फिलअप कर दें, और यहाँ पे देखेंगे फिनेंशियल ईयर बिगिन फॉर्म, आप बिजनेस आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है उनकी डेट होगी, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी एक कन्फ्यूजन खुलेगी कि आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुल। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल डिस्प्ले में दिख रही है। अब यहाँ पे जो कंपनी का फर्स्ट क्लास है हमारा, उसमें आप देखिए सबसे बड़ा एक ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है अकाउंट से रिलेटेड कि जो आप कंपनी बना है इसमें कौन सी वर्क करेंगे। देखिए जैसे कि हम लोग बहुत सारे कंपनी में क्या करते हैं कि हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो गुड्स और सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो इस अगर ये दोनों चीज़ अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स को हम लोग सेट कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट्स क्या होगा, ओनली अकाउंट्स ओनली या अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। तो दोस्तों जैसे कि हमारा यहाँ पे देखेंगे कि मेंटेन अकाउंट्स में एस किया हुआ है, तो इसको आप रहने दें, और यहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन इन्वेंट्री को भी हम एस रहने दे रहे हैं।
लास्ट में आप यहाँ पे आएंगे टेक्सटन की विषय में बात करते हैं कि अगर आप की कंपनी में आप अब गुड्स यानी कि जीएसटी को एस रखना चाहते हैं तो एस रख सकते हैं, अगर आप टीडीएस में काम करना चाहते हैं तो टीडीएस को भी एस कर सकते हैं। फिलहाल हम जीएसटी को नहीं लेके चलेंगे और जीएसटी में हम नो रखेंगे और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है और उस कंपनी में आप देखेंगे कि राइट साइड में जो दिख रहा है इसमें आपका लिखा हुआ फर्स्ट क्लास बाय टेली प्राइम, यानी कि हम लोग टेली प्राइम में एक नई कंपनी बना ली है। अब देखिए कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शंस, फिर से हम उसी ऑप्शंस पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी, तो कंपनी इन्फॉर्मेशंस के अंदर आप अगर क्लिक करते हैं तो लिस्ट ऑफ कंपनी के विषय में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, या तो आप फिर से कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं या जो कंपनी मैंने क्रिएट किया उस पर कुछ चेंजेस करनी हो तो हम लोग अल्टर कंपनी में जा सकते हैं, या सेलेक्ट कंपनी अगर मेरी ऑलरेडी पहले से कोई कंपनी बनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी जो कंपनी बनी हुई है वो कंपनी को हम लोग सेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कुछ ऑप्शंस है, जैसे मैंने टेली प्राइम को जब हम क्रिएट कर रहे थे, कंपनी बना रहे थे, तो उस समय हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया था। अब हम चाहेंगे कि उस इन्फॉर्मेशन को फिर से हम इनपुट करें तो इसके लिए हमको अल्टर ऑप्शंस पे जाना है। अल्टर ऑप्शंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने कंपनी के समय जो फर्स्ट कंपनी क्रिएट कर रहे थे उस समय जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम प्रेस इंटर करके जो इन्फॉर्मेशन आप इनपुट करना चाहते हैं वो इनपुट कर सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी की बात करते हैं, ठीक है, तो SSTBARSY, या आप दे सकते हैं alishafoundations@gmail.com, उसके बाद वेबसाइट www.alishafoundations.com दे दिए, और इसके बाद हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी कंपनी जो है मॉडिफिकेशन हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन से हम लोग बाहर जाने के लिए हम लोग जस्ट जैसे हम लोग टेली ईआरपी 9 पे एस्केप की करते थे उसी तरह हम लोग एस्केप की करेंगे। जब हमारी कंपनी बन जाती है तो इस कंपनी में सबसे पहला चीज होता है हमारा लेजर्स बनाने के लिए, तो लेजर्स हम कैसे बनाएंगे इसके लिए हमारी वीडियो आप देखते रहें। आज की जो फर्स्ट क्लास थी कि टेली प्राइम में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और टेली प्राइम में कंपनी को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो हम इसी कड़ी को लेकर आएंगे, उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए मुझे अलविदा करें, मैं हूं शान सर, और खुश रहें आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका शान सर, जय हिंद, जय भारत।